थोड़ा सा डायग्राम आपके सामने बना होगा और उम्मीद करते हैं कि इस डायग्राम से आप परिचित जरूर होंगे, क्योंकि बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं सौरमंडल क्या है, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे, ही बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अगर आप अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत कुछ पढ़ना नहीं है। आइए कहानी की तरह इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करें। जैसे कहानी सुना आप लोगों ने बचपन में, उसे कहानी की तरह पढ़ेंगे और हंसते हुए पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि ये जनरल स्टडी के साथ साथ आपके UPTT, CTT, SuperTT का भी हिस्सा है, या DSSB में अगर आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ से भी आप इसकी तैयारी प्रॉपर रूप से कर सकते हैं। हमें जानते हैं पूरे ब्रह्मांड में हमारा सौरमंडल एक ऐसा सोलर सिस्टम ऐसा है जहाँ पे जीवन है ऐसा अभी तक ज्ञात हुआ है। बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे ग्रह जहाँ पे जीवन हो सकते हैं, बहुत सारा ऐसा सौरमंडल हो सकता है जहाँ पे जीवन हो, लेकिन अभी ज्ञात जितने हैं उसमें पृथ्वी एक मात्र ऐसा है जो हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है जहाँ पे जीवन है। आपकी ब्रह्मांड उत्पत्ति के बाद सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, अभी सर ने आपको पढ़ा के गए भी, तो वो सब हम लोग को नहीं पढ़ना। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, सौरमंडल पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम पढ़ते हैं। सौरमंडल क्या है, जब हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे तो हमारे सौरमंडल में वो 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब जब पढ़ते हैं तो 8 ग्रह हो गया। ये सारी कहानियाँ देखते हैं, उसके पहले आते हैं इसको परिवार मान लेते हैं, या सूर्य और इनके 8 बच्चे मिलकर एक परिवार है, इसे हम कहते हैं सौर परिवार। क्या कहते हैं? सौर परिवार। इस सौर परिवार का जो मुखिया है वो कौन है? सूर्य है। इस सौर परिवार का जो मुखिया, उसका नाम क्या है? सूर्य। सूर्य इस सौर परिवार का क्या है? मुखिया है। और इसके 8 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं, जो क्रमशः आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगलवा, अच्छा मंगल सॉरी मंगल बृहस्पति, शनि, अरुणवा, ये 8 आपके प्रमुख ग्रह हैं। बीच में यहीं पे एस्ट्रोनॉइड बेल्ट है, इसे आप कहते हैं क्षुब्ध ग्रहों की पट्टी। क्या कहते हैं? क्षुब्ध ग्रहों की पट्टी। शुरुआत के 4 ग्रह बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देते हैं, जिसमें आपका आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर लास्ट के 4 ग्रह फिर घटते हुए क्रम में है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। लेकिन शुरुआत की जब 4 ग्रह देखते हैं तो उसमें मंगलवा छोटा दिखता है, जबकि जिस क्रम से ग्रह बढ़ता जा रहा है उस क्रम से मंगल को और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये आपके नज़र में छोटा दिखाई दे रहा है। कि आपको दिखाई दे रहा है, हमको भी दिखाई दे रहा है, देखिए हम चश्मा वश्मा नहीं लगाए हैं। हाँ ठीक, तो ऐसा नहीं मैं इसको बनाया हूँ, मैं डिजाइन में ऐसा बना दिया। अब आते हैं देखते हैं इसके बारे में। सूर्य की 2 शादी हुई थी। सूर्य कितनी शादी हुई थी? 2 शादी, ठीक। एक औरत से उनके, एक पत्नी से उनके, ये क्रमशः जो बच्चे उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इनका सबसे पहले जान लें तो सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा किसे कहते हैं? प्रश्न उठता है, तारा किसे कहते हैं? वे आकाशीय पिंड जिनके पास खुद कुसुमा, खुद का प्रकाश हो, अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हो, ऐसे आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य एक तारा, क्योंकि इसके पास भी स्वयं की ऊर्जा, स्वयं का प्रकाश है और ये अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये नाभिकीय संघनन प्रक्रिया के द्वारा, जैसा सर ने आपको बताया, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन टूटकर हीलियम में बनता है, इससे वहां पे ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा का लाभ हमें आपको मिलता है, जो हम लोग पर्यावरण में पढ़ेंगे। अब आते हैं तो इसका जो सबसे छोटा लड़का, उसका नाम है बुध। क्या नाम है? बुध। अच्छे, जो बुध नाम है इसके बारे में जान लीजिएगा, ये बहुत दुलारा है। छोटवार जो लड़के घर में होते हैं वो बहुत दुलारे होते हैं। इनके पापा इनको मारते होते नहीं, पापा का काम सुनता है, कोनो काम कर देते हैं तो कर देता है, तो पापा इसके बहुत मानते हैं। पापा मतलब सूर्य, बहुत मानते हैं। और ये पापा काम कर देता है, कोई काम कर तुरंत करके चला जाता है। छोटे बच्चे क्या होते हैं? चंचल होते हैं, तो ये भी चंचल है। ये क्या करता है? सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है, सबसे कम दिन में। 88 दिन में सूर्य का अपने पापा का एक चक्कर पूरा करता है, जबकि अपने बाप के सबसे नज़दीक होने के कारण भी, यहाँ क्या है, सबसे गर्म, क्योंकि पापा से गुस्साते हैं, इसको बहुत मानते हैं और मानने की वजह से हाँ ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि इसका ब्याह नहीं हुआ अभी, शादी, अच्छा शादी नहीं हुआ तो बच्चे, तो मतलब हमारे सौरमंडल का जो बुध है इसके पास कोई बच्चे नहीं, कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं। उसके बाद आते हैं शुक्र के पास। शुक्र जो ग्रह है बहुत नालायक है, पीला नंबर 1, मतलब
बीएड करके बीटीसी करके दिन भाई इधर से उधर लेफ्ट राइट, मतलब कोई एक काम नहीं करता और शाम को पौआ लगा के पलटा रहता है कहीं, मतलब कोनो काम धन का नहीं। मैंने हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर सूर्य होता है पश्चिम में होता है, कहां होता है उल्टा काम करता है, कहेंगे जा सब्जी लेते हो पैसा पाएगा जाएगा फुकार खा जाएगा गुटखा खा जाएगा पान खा जाएगा, मतलब उल्टा ही काम करता है। काहे? क्योंकि यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है और पीएलआर नंबर एक हो जाए पीएलआर घर एक बदलती हो जाते हैं, मतलब इसके पापा इसको बहुत मारते हैं। मान्य इस ग्रह पे सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह क्यों है क्योंकि यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95 से लेकर 98% तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होने के कारण सूर्य से आने वाली गैसें को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है, हीटिंग पावर बढ़ जाती है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। और ये क्या करता है सूर्योदय क्या होता है पश्चिम, कहाँ पश्चिम होता है उल्टा काम करता है। पृथ्वी कहाँ होता है कहाँ पूर्व में ही होता है पश्चिम का नहीं होता। आप कोई बस या ट्रेन में बैठे हैं? हम तो नहीं बैठे, हम बैठे हैं बस या ट्रेन में, बस में ट्रेन में बाहर देखा कभी खिड़की से बाहर पेड़वा किधर जाते हैं गधैया गधावा हाँ, लेकिन वास्तव में भागता कौन है अब पेड़वा का रहता है। उसी प्रकार सूर्य स्थिर है लेकिन पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए सूर्योदय कहाँ होता है और ये पूरब से, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये 225 दिन में अपने बाबू का चक्कर, जब पीएलआर रेंद बिया शादी होगा ना करे एनोक बिया ना है, जो बिया ना है बता, तो हमारे सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बुध और माने बुध और शुक्र के पास कोई प्राकृतिक। अब इतना मराज है, इसको कहते हैं भोर का तारा, सांझ का तारा, तारों वाला ग्रह, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी भगनी और पृथ्वी की जुड़वा बहन, इतने नामों से ही जाना जाता है। ठीक काहे? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। और यहाँ से कुछ पूछने वाला प्रश्न आपका, इसे कहते हैं प्रेशर कुकर वाला ग्रह, कि जब दारू पी लेता चिल्लाता खूब, इसलिए इसे क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होने के कारण यह क्या है प्रेशर कुकर की भांति काम करता है, इसलिए इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी। उसके बाद आते हैं पृथ्वी, सूर्य की सबसे छोटी बिटिया है, अब इसके शादी हाल ही में हुआ है, इसको एक लड़का है, एक लड़की एक लड़का है, लड़की एक लड़का है, चंदा मामा है कि मामी है, तो लड़का है ठीक, तो इसका एक मात्र उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा, क्या नाम है चंद्रमा नाम है ठीक। अभी इनका बिया हालम है, मजे दहे जो पाई ना, मतलब जब सबसे छोट बिटिया ही ठीक, जौनपुर बचारा को लेने दिवाए गए हाँ, तो मतलब यहाँ पे जीवन है, यहाँ पे क्या है इसे अनोखा ग्रह कहते हैं। ये सूर्य का दो रवा हिस्सा प्राप्त करता है प्रकाश का, इसलिए यहाँ पे नीला ग्रह कहते हैं। जल है मतलब कुल दहेजवा नहीं पाएंगे, जितना कुल बचा कुचारा कुल ढोके लेके चली गई ठीक। और ये बाहुक कहना भी माने थे, और यहाँ पे ये सूर्योदय पूर्व में होता है, 365 दिन में अपने बाबू के यहाँ, मतलब साल भर में एक बार राखी बांधने को होता है, साल भर में एक बार घरे जाते हैं, माने एक साल में 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करते हैं, अपने दूरी पर 24 घंटे में घूमती हैं ठीक, जिसकी वजह से दिन रात होता है और बाहू चक्कर लगाओ से मौसम बदला था, जब रक्षाबंधन है तब ना बाहू क्या जाइए किसे मामा से मिले, मामा माने चंदा, चंदा चंदा ना चंद्रमा ठीक। ये हो गया, फिर उसके बाद आता है इसमें पृथ्वी अलग से पढ़ना है। अब आते हैं मंगलवार के पास, मंगलवार पूरे परिवार से गरीब है, नौकरी ना पाए, तैयारी खूब करते सीटेट का लेकिन निकलाना है ठीक, तो बेरोजगार है, उनका बड़के जो बगला भाई है डिग्री कॉलेज में बहुत पैसा कमाते हैं, खाए पे परिवार से हैं, आए दिन दोनों में जमीन बिदा झगड़ा होता है, दोनों में मंगलवार में और अच्छा एक दिन हद हो गई, गिरा के बड़ी मार मार दें के मंगलवार इतना मारें इतना मारें कि हाँ तो टूटे कुल खून बह लगा, अब शर्ट कैसा होगा लाल हो गया, तो ये कैसा ग्रह है हाँ इसे कहते हैं लाल ग्रह। कौन सा ग्रह कहते हैं, किसके कारण बृहस्पति हमारे रहा नहीं, इस कारण नहीं क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण यह ग्रह कैसा दिखता है लाल दिखता है, जबकि जब बुध के बाद बड़ा सुख सुख से बड़ा पृथ्वी, पृथ्वी जड़ा क्या होना चाहिए था मंगलवार सॉरी मंगल,
लेकिन छोटा कैसे? बृहस्पति एक दिन कमाए गए और झगड़ा हो गया इनके इनके मेहरारू से, इनके मेहरारू से इतना मार हो गया कि बीचे में पहुंच गए, इनका लड़के मिलकर इतना मारे कि हाथ को लेकर तोड़ दें, और तोड़े बाद प्लेट ठहरत बा। ठीक, तो जो इन दोनों का जो कहा जाता है जो मंगल ग्रह का टुकड़े हैं वो वास्तव में एस्ट्रोनॉइड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी यही है। देख रहे हैं किसके बीच है मंगलवा और कहा है मंगलवा? मरांडा कैसे? बृहस्पति से। ठीक, अच्छा एक दिन तो हद हो गई, पैदल जा रहा था मार हो गया, तो एक ठो उनका लड़का रहा बृहस्पति का, बड़का लड़का पता गैनीमेड हुआ, अरे बृहस्पति सबसे बड़ा आग्रह गैनीमेड, एक ईटा खींच के मारे कपारे पे उनका कपार, अच्छा कपार फूट गया, फूटा नहीं तो क्या हो गया? गुरमा निकल गया। तो हमारे सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत किसके पास है? निक्स ओलंपिया। क्या निक्स ओलंपिया कैसे है? गुरमा निकल गया कपारे में। निक्स ओलंपिया किस ग्रह पे? मंगल ग्रह पे। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय से भी 3 गुना ऊंचा। ठीक, किसमें है? निक्स ओलंपिया। इनको बिया भट है, तो ऐसा तो होना बिया होते कमा चाहे ना कमा, लेकिन हमारे देश जानते हैं हम दो हमारे आने दो, तो दो ठो है फोबोस और हाँ जानते तो हैं फोबोस और डीमोस, इन्हों दूल्हे क्या है? ठीक, कैलेंडर क्या है? 687 दिन में अपने बाबू को चक्कर लगा हुआ थे, और संभावना हो जीवन है, इस पर जीवन की तलाश जारी है, गरीब है, अच्छा है, व्यवहारिक है। ठीक है, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा आपकी परीक्षा में। फिर आते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी, एक प्रश्न पूछा जाएगा, सर ने भी बताया भी था कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ पाई जाती है? बृहस्पति और मंगल। सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, कई डिबिया किए हैं बृहस्पति के, कई डिबिया भवट है, और जब कई बिया कई लड़का है हमारे सौरमंडल के सबसे ज्यादा उपग्रह इन्हें पास है। अलग अलग किताब में अलग अलग आंकड़े हैं, कहीं 73 है, कहीं 79 है, कहीं 71 है, कहीं 72 है, कहीं 69 है, लेकिन सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? कितने हैं? 73 है, अलग अलग जगह अलग अलग दिया है। इनका तो सबसे बड़ा लड़का हो, सबसे बड़ा हो, अगर भैया पहले हो गए ना कमात रहे, पहले नौकरी पाई गए तो भाव इन्हें भैया पहले कह दें। तो हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमेड है, और इसी ग्रह का है गैनीमेड। गैनीमेड जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, क्या है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। कौन सा? गैनीमेड। यहाँ पे हवा चलत है, पैसा पैसा खूब उड़ावत है, पैसा रहे तो क्या करिए, खूब पैसा उड़ रही है। यहाँ पे बड़े बड़े तूफान चलते हैं, वो कितने बड़े? पृथ्वी इतनी बड़ी बड़ी तूफान चलती है, और इसे तारों वाला ग्रह कहते हैं। घमंड और पैसा हो, इसे क्या कहते हैं? तारों वाला ग्रह कहते हैं। ठीक, कौन ग्रह? तारों वाला ग्रह कहते हैं। और 21 साल में 11.5 बरस में अपने बाहू का चक्कर अर्थात सूर्य का चक्कर पूरा, जुपिटर कहते हैं। बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, इससे ज्यादा परीक्षा में आपके नहीं पूछेगा। उसके बाद आते हैं शनिवा के पास, ये बड़ा जुगाड़ू आदमी। ठीक, क्या है? जुगाड़ू है। अच्छा, जहां जुगाड़ू रहते हो के बाद 10-20 लोग हमेशा घूमत रहते हैं, कि जहां जाता है कोई ना कोई उसके साथ रहता है। ठीक, और खिया पिया लेता है, पैसा से उड़ाता है खूब। तो इसके चारों तरफ वलय, छल्ला, क्या है? छल्ला है इनके पास भी थोड़ा सा, लेकिन इनके पास भी क्या है? छल्ला। छल्ला मतलब जानते क्या? धूल कण जल वास गैसेस को छल्ला है। कहीं 5 छल्ले है, कहीं 7 छल्ले आपको किताबों में मिलेंगे, इन 5 वलय है। ठीक, कहते हैं कि कपारे में से क्या रथ है? शनि सवार रथ है। क्या रथ है? शनि सवार। खाए पिए पोते ना, खाली दिन भर घूमत है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और हमरे किना है, मतलब कुपोषित परिवार से। मतलब इसका घनत्व इतना कम है, अगर इसको जल में डाल दिया जाए डूबेगा नहीं, इसका घनत्व 0.79 है। इसलिए इन चार ग्रहों को क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये भारी ग्रह होते हैं और ये हल्के ग्रह हैं। ये गैसी ग्रह हैं। ये कौन से ग्रह हैं? गैसी, इसलिए हल्के हैं। शनि घनत्व क्या है? 0.79। अगर पानी में बोर दिया जाए, बल्टी में डाल दे, डूबे बल्टी में डूबेगा नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका घनत्व क्या है? बहुत कम। और 21 साल में लगभग 29 वर्ष में चक्कर पूरा कर लेता है। यहू कह कम लड़का ना है, यहू कहन कितना अलग अलग किताब, मतलब कहीं 71 का 69, मतलब से कम है। ठीक, इनका जो सबसे बड़ा लड़का उसका नाम
बीआईएम जो घड़ी मिले थे, हाँ टाइटन, ठीक, कौन सी है टाइटन। तो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन, कहाँ है टाइटन, बीआईएम वाली घड़ी ऐसे याद करो, जल्दी याद हो जाए। और विशेष कोई खासियत नहीं है बताए ना, कहीं 71 मिलेगा, कहीं 69 मिलेगा, अलग एकदम अलग अलग, उससे कम है, बृहस्पति से कम है बस, जनसंख्या मामले क्यों कम ना है, भले नौकरी ना करें। अब आते हैं अरुण के पास, ये नंबर एक का पीएला है, पीएला जानते हैं जो पानी खूब पीते हैं, पीएला की सुगत है, दारू पीने वाले को ना दिन भर पिए रहते, इतना पीता, मैं सुबह उठने पर सब ब्रश मंजन करते हैं, थोड़े पहले का चीन पौआ, अब पिए कहते ऊँच और आप लेटा है, कहते ऊँच और आप लेटा है, हाँ कहते वहाँ पलटा है, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं लेटा हुआ, कहा है 82.5 डिग्री लगभग, कहीं 83 डिग्री है, कहीं 82 डिग्री है, कहीं 82.5 डिग्री, ये अपने धुरी झुका है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और दारू पिए रही है तो इनसे का जमत ना है, जैसे सूर्य शुक्र है वैसे अरुण, दोनों को मतलब ना उनके बाबू से, मतलब यहाँ पे भी सूर्योदय पश्चिम में होता है, हमारे दो ग्रह ऐसे हैं अरुण और शुक्र, जहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, बाकी जितने भी ग्रह हैं वहाँ पे सूर्योदय, ये क्या साल में, लगभग 84 वर्षों में सूर्य का चक्कर पूरा करते हैं, कहीं किताबों में अलग अलग है, कहा जाता है इनके पास 22 है, कहीं कहा जाता है 27 उपग्रह है, और यह सबसे दूर का ग्रह है, ये ठंडा सबसे ठंडा भी नहीं है, ठीक, पीला नंबर एक है, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, बाकी यहाँ से कुछ प्रश्न नहीं पूछेगा। उनके बाद वरुण सबसे सीधा बा, अपने काम से काम, सबसे ठंडा है, मेथेन का दिखता है, ठीक, अपने काम से काम, सबसे दूर रहता है, कोई से मतलब नहीं, बम्बई में नौकरी करे थे, कमाई है खाई है, कोई से मतलब नहीं, ठीक, 164 जब पैसा वैसा हो जाए गाँव घूमे मनो तो है, 164 वर्ष में लगभग सूर्य का एक चक्कर पूरा करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, और एकदम ठंडा, अपने काम से काम, ठीक, कहीं इनके 22 उपग्रह हैं, 27 उपग्रह 22 उपग्रह इन लोग के पास है, ठीक, समय एकदम ठंडा, कुछ मतलब ना हो, लेकिन इनका एक भी और भरा बता रहे, ओकर एक लड़का राजा ने कहा यम प्लूटो, यम प्लूटो कुबेर, आप जानते होंगे, तो जानते जब जमीन का बंटवारा हो शुरू है तब वो कहें कि दूसरे माई की लड़कियां उन्होंने कुछ नहीं मिले, ठीक, उन्हें हटा दिया गया, तो 24 अगस्त 2006 को इन्हें ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, और कहा गई बौना ग्रह, बौना समझते हैं मतलब टांग लड़ाने वाला काम करे, अपने चक्कर के साथ दूसरों को डिस्टर्ब करे, माने अपने चक्कर पे चलने के साथ साथ दूसरे चक्कर को काटते थे, माने दूसरे काम में टांग अड़ाना, तो टांग टूट गई तो उन्हें अलगिया दिन, भैया तू यहाँ से, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगनी से क्या किया, इन्हें ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, अब इसे ड्राफ्ट प्लैनेट या बौना ग्रह के नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार वर्तमान समय में हमारे ग्रहों की संख्या कुल कितनी है, 8 ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह व्याकाशी पिंड है, जिनके पास हाँ न खुद कुष्मा होती है न खुद का प्रकाश होता है, अपने साथी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उन्हीं का चक्कर, बस बात खत्म, और कुछ, और कुछ ना है, और कुछ भी होगा, हाँ सूर्य का चक्कर, उपग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह अव्याकाशी पिंड होते हैं, जिनके पास न खुद कुष्मा होती है न खुद का प्रकाश होता है, या अपने साथी ग्रह के साथ चक्कर लगाते हुए अपने दादा के चक्कर, मैंने सूर्य का चक्कर पूरा करते हैं, इनका दादा लगे है ना, नाना या दादा, ठीक। अब इसके बाद अलग अलग उखाड़ उखाड़ पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ये शॉर्टकट में था आपका सौरमंडल का छोटा सा परिचय जो हमने आपको दे दिया, कोई समस्या होता पूछ ले, यही प्रश्न यूनिक है जो पूछे जाते हैं, जो हमने आपको एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझा दिया, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। हमारे सौरमंडल सबसे ऊंचा पर्वत मंगलवा पे कहाँ है, बृहस्पति हमारे रहा, ठीक, क्या है निक्स ओलंपिया, बात खत्म। लाल ग्रह का कहते हैं मरान रहा, लाल ग्रह, ठीक, इसे तो क्या लेंगे आप, बच्चे की जान लेंगे का, ठीक, आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा, और ऑनलाइन क्लास के लिए
6306344367। और हाँ, टेलीग्राम जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई-लर्निंग में दुर्गेश ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे कभी कभी वीडियो अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन नहीं जाती, ज़्यादातर नहीं जाती, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। और फेसबुक पेज ई-लर्निंग में दुर्गेश, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और हाँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिए ना करिए आपकी मर्जी, शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी और के पास भी पहुँच जाए जिसको ज़रूरत हो, तो उससे मिलकर उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए और आपको हो सकता है काम का ना हो। कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना? हरा ग्रह किसे कहते हैं आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हरा ग्रह और पीला ग्रह किसे कहते हैं? अरे आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जवाब दीजिएगा, इंतजार करेंगे आपके जवाब का। उम्मीद करते हैं कि आप उस जवाब उत्तर आप अपना जरूर देंगे। ठीक, चलिए लगे रहिए इसी तरह अध्ययन अध्यापन काम में अपने।